एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा राजस्थान में मुस्लिमों के हालात पर सर्वे करवा रहे हैं, इसी महीने रिपोर्ट आ जाएगी। 25-26 मार्च तक इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। मुसलमानों को सेकुलरिज्म का कूली बना दिया गया है। जब चुनाव आते हैं तो कहते हैं सेकुलरिज्म को जिंदा रखो, जबकि दूसरे उसको डुबोते रहेंगे, दफनाते रहेंगे। हमसे कहा जाएगा कि इसे जिंदा रखो, इसी वजह से यहाँ एक्सपर्ट से सर्वे करवा रहा हूँ। दरअसल ओवैसी ने जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की। राजस्थान में इसी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की रणनीति को लेकर तमाम जानकारियां दी। इसके बाद वो सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र बम्बा मोहल्ला पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस दौरान ओवैसी ने कहा राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, इसी को लेकर प्रमुख शहरों का दौरा कर रहा हूं। मेरा लक्ष्य किसी भी पार्टी के खिलाफ लड़ना नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के कैंडिडेट को जिताना है। आगामी चुनाव में गठबंधन को लेकर उन्होंने बस इतना कहा, यह तो समय ही बताएगा। जनसंपर्क के लिए सीएम के गृह क्षेत्र को चुनने के सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा जनसंपर्क करना बुरी बात नहीं है, मैंने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का भी दौरा किया था, गुजरात में भी जाकर चुनाव लड़ा। जनसंपर्क के दौरान मैं हर वोटर्स हर वर्ग से मिल रहा हूं, इस बार दलितों को साथ लेकर चुनाव लड़ूंगा। वहीं बीजेपी की बी टीम होने के आरोपों पर असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए कोई काम करता है तो इनको पसंद नहीं आता है, वर्षों से इन्होंने लोगों की उम्मीदों और उनकी जिंदगियों को बर्बाद किया है, उनको लगता है कि जमीन हिल रही है, इसीलिए अब हम उनकी जमीन हिलाकर छोड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।